रिपोर्टर का आंसर करते हुए एलविश यादव ने शॉक कर देने वाला जवाब दिया। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करने वाले एलविश यादव के बारे में, जहाँ पर उन्होंने रिएक्ट किया एक छोटे से बच्चा है जो कि बाबा बना फिरता है उसके ऊपर। आप देखिए, बच्चा है छोटा, वो जो गोलू सा बच्चा है जो अभिनव, मेरे को नाम भी नहीं पता भाई, मेरे को वो जो सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग में जाता है और नाम लेता है भगवान का, और मतलब रिलीजियस टाइप का बच्चा है और पॉडकास्ट भी करता है कि कृष्ण जी मेरे छोटे भाई हैं, मतलब ऐसा सुना है मैंने, कुछ कुछ क्लिप्स भी देखी हैं। तो मेरे नजरों में जो क्लिप आई वो ये है कि कई जने कह रहे हैं कि ये फर्जी है, ये वो है, लोग गाली बक रहे हैं उसको कि किसी गुरुजी ने उसको कह दिया नीचे जाओ, तो वो कह रहे हैं कि सही करा इसके साथ, ये देखो ढोंगी है, इसका बाप ये, इसकी माँ ये है, इन्होंने बच्चे को इसमें डाल दिया, उसमें डाल दिया। मैंने नोटिस करा, मेरी राय ये है कि हर चीज की एक उम्र होती है, यू नो क्या कह रहा हूँ मैं, मतलब इट्स वेरी गुड ही सपोर्टिंग हिज रिलीजन, बट दिस इज नॉट द राइट एज ये सब करने के लिए, क्योंकि वो थोड़ा ज्यादा कर रहा है। नो डाउट ही सपोर्टिंग आर रिलीजन, ही शोइंग आर रिलीजन इन अ गुड वे, और गौ माता की सेवा करनी हो गई, या फिर जो भी रील्स मैंने देखी, ठीक है, इट्स गुड, बट उसको अभी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वो ये सब कर सकता है, मतलब अगली अपडेट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पर रिपोर्टर ने एलविश यादव से ये पूछा कि एलविश यादव एंड मुनव्वर फारूकी के रिलेशनशिप कैसा है। मतलब वो कहती है आप चारों में से आप और मुनव्वर का बॉन्ड बहुत अच्छा है, तो उस पर एलविश यादव क्या कहते हैं आप देखिए। मुनव्वर के साथ रिलेशनशिप काफी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला है, वो तो दिखता है, फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, फुल ऑफ थ्रिल, फुल ऑफ एडवेंचर्स, तो बिल्कुल जुगलबंदी भी चलती है हमारी और मौज मस्ती भी चलती है, एक दूसरे की रोस्टिंग भी चलती है, तो हमारा ऐसा कि अगर मैं उस पर जोक मार रहा हूँ तो वो ले लेता है, वो मेरे पे जोक मार रहा तो मैं ले लेता हूँ, तो उस टाइप का रिलेशन है। वैसा कुछ हम कोई लड़ते झगड़ते मेरे हिसाब से आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ना हम ऑन कैमरा अभी तक लड़े, बहुत फन है यार, बहुत फन है यार, मतलब यू डेफिनेटली गिव इट टू ईच अदर, ऐसा नहीं है कि यू ऑल आर वेरी लाइक फॉर्मल और अटक के, ऐसा आई डोंट थिंक आप लोग होल्ड बैक भी करते हो, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं, कभी कभी बस दिमाग में बतेरी चीजें चलती है मेरे, पर मैं सोच के बोलता हूँ कि कभी क्या पता बिलो द बेल्ट ना हो जाए, तो वो मेंटेन करना पड़ता है, वो सेम वो भी सोचता होगा।